नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल सीसी डिजिटल इंडिया में आप लोगों को फिर से स्वागत करते हैं। मैं आज आप लोगों के सामने और एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने सीसी के रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं मैं पहले से डाला हुआ है। अगर कोई इशू आता है, सर्वर के एरर आता है या तो ब्राउजर में कोई प्रॉब्लम होते हैं, तो सारे वीडियो मैंने पहले से डाला हुआ है। आप लोग वहाँ पर जाके मेरा चैनल को अगर देख सकते हो, सारे वीडियो मैंने डाल चुका हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सीसी डिजिटल इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सीसी डिजिटल इंडिया को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं कौन सी सर्विस के बारे में बताऊंगी सीएससी के रिलेटेड। सीएससी के जरिए आप कैसे मेरी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो, मेरी सर्टिफिकेट बनाने के लिए कितने कैसा प्रोसेस है, कौन से प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हो सीएससी के जरिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर ले, उसके बाद एआरटीपीएस के होम पेज पे आइएगा। तो होम पेज आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको लॉग इन कर लेनी है। तो लॉग इन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको यहाँ पे लॉग इन का एक पेज है, लॉग इन एंड रजिस्टर ऑप्शन है। इसमें हम लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जब लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। दो ऑप्शन आएगा, एक तो लॉग इन विथ ट्रांसपोर्ट आएगा एंड लॉग इन इन अदर सर्विसेस पे आएगा। तो हमको क्या करना है, लॉग इन विथ अदर सर्विसेस पर क्लिक करना है। सीएससी से लॉग इन करने के लिए हमको लॉग इन विथ अदर सर्विसेस पर क्लिक करना है। तो लॉग इन विथ अदर सर्विस पर क्लिक करने के साथ जब करेंगे तो हमारे पास दूसरे विंडो पॉपअप खुलेगा। सो विंडो पॉपअप खोलने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है हमको। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉग इन विथ सीएससी कनेक्ट लेके एक छोटा सा इसमें लॉग इन के नीचे बटन है, इसमें हमको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ना तो कोई यूजर नेम डालना है, ना तो कोई ओटीपी वगैरह डालना है अगर सीएससी से करते हो तो, और ना ही इसमें कोई दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिर्फ हमको लॉग इन विथ सीएस कनेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ फिलहाल लॉग इन विथ कनेक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। लॉग इन विथ कनेक्ट पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास दूसरे पेज पे लेके जाएगा सीएससी और सीएससी यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डालना है। डालने के बाद साइन इन बटन पर क्लिक करना है। मैंने पहले से सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल के सेट करके रखा है तो मेरे सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो गया। जब आप सीएससी आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और डैशबोर्ड खुलेगा अपना। यहाँ से आप नीचे अपने देख सकते हो अपना नाम आएगा, इधर से कोई भी अगर बीएलई है बीएलई का नाम यहाँ पे शो करेगा, जो मैं इस एक बीएलई का नाम यहाँ पर शो कर रहे। तो उसके बाद आप क्या करोगे, कौन से सर्विस आपको अप्लाई करना है, तो आप देख सकते हो डैशबोर्ड में यहाँ पर इस लेफ्ट साइड में अप्लाई फॉर सर्विसेज पर लिखा हुआ है और व्यू स्टेटस एप्लीकेशन, दो ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ से आप व्यू स्टेटस एप्लीकेशन से अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो और साथ में इसमें अप्लाई सर्विसेज पर क्लिक करते हुए क्या आप कौन सा सर्विस अप्लाई करना चाहते हो, सारे सर्विस यहाँ पर निकल के आएगा। तो हम फिलहाल जो एक सर्विस अप्लाई करेंगे मेरिस का, तो मैं अप्लाई सर्विसेज पर क्लिक करूँगी। जब अप्लाई सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा सामने कुछ दूसरे पेज खुलेगा। तो यहाँ पर से हमको क्या करना है, जो सर्विस हम अप्लाई करना चाहते हैं उस सर्विस को यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए सर्च का एक ऑप्शन है, ठीक है, सर्च का एक ऑप्शन है, यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट पेज भी कर सकते हो। देखो अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखो सिक्स पेज है। यहाँ पे सिक्स पेज से हमको क्या है, अभी एक नंबर पेज पे आया है, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, ऐसा करके पेज भी आप चेंज कर सकते हो जो भी सर्विस आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल डाउन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली सर्च बटन पर जाके सर्च करेंगे। तो हम मेरिट सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे तो मेरिट लिखेंगे यहाँ पर। जब मेरिट लिखेंगे, मेरिट का सारे वर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो जो सर्विसेज है यहाँ पर शो हो जाएगा, हम के
अगेंस्ट में जो जो सर्विसेज है। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन का एक लिंक ब्लिंक हो रहे है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन यही पर है, हमको क्लिक करना है। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा पास दूसरे फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को हमको फिलअप करना है। इस तरह का एक फॉर्म खुलेगा आपके सामने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, एक नोटिफिकेशन आया है, ठीक है ना। इसमें क्या लिख के आया है, दिस सर्विस हैज बीन मेड फॉर द न्यू वर्जन, सो क्लिक हियर टू अप्लाई। तो हमको क्या करना है, पहले तो हम इसी पेज पे करते थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया है आरटीपीएस ने, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो चेंज करते हैं क्या मतलब, इस जो सर्विस है हमारा मैरिज सर्टिफिकेट का सर्विस, उसमें दूसरी वर्जन में इसमें वर्जन को अपग्रेड किया है। तो हमारा यहाँ पर क्या करना होगा, इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर से हमको क्या करना है, क्लिक हियर का एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पर देखोगे एक ग्रीन कलर का क्लिक हियर का एक बटन है, ठीक है ना। क्लिक हियर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हियर पर जब क्लिक करोगे दूसरे पेज पे आपको लेके चलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक कर लेते हैं। जब क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, दूसरे पेज पे लेके आएगा। यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने से पहले हम फॉर्म को फिलअप करने से पहले सबसे पहले हम इसको इंस्ट्रक्शन वगैरह देख लेते हैं, गाइडलाइन कौन सा है, इसमें गाइडलाइन क्या है। यहाँ पर एक नंबर गाइडलाइन दिया हुआ है, इसमें कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर आईडी प्रूफ, इसमें क्या हुआ है, इसमें लड़का या लड़की दोनों का क्या होगा, एक आईडी प्रूफ चाहिए आपको। उसके बाद कॉपी ऑफ द एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ चाहिएगा लड़का लड़की दोनों का। तीन नंबर पे कॉपी ऑफ एज प्रूफ चाहिए दोनों का, लड़की या लड़की का दोनों का आपको एज प्रूफ देना होगा। उसके बाद चार नंबर पे कौन सा, इन केस ऑफ द इंडियन मैरिज डाउनलोड द मैरिज नोटिस टेम्पल, क्लिक हियर। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिक हियर का बटन जो है ब्लिंक हो रहे हैं। तो यहाँ कहाँ से आप इस टेम्पल को क्लिक सेलेक्ट करोगे, डाउनलोड कैसे करोगे, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाके जो जो फॉर्मेट है फॉर्म है उसका लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से जाके आप लोग अपलोड डाउनलोड कर सकते हो और उसको फिलअप करनी है और उसे फिलअप करके अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए जो जो फॉर्म है मैंने मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें है मैरिज नोटिस टेम्पल डाउनलोड करना है। उसके बाद हमको पास नंबर पे इन केस ऑफ द सोलमेन मैरिज सिग्नेचर ऑफ, अगर कोई भी सोलमिनेटेड मैरिज है उसका भी सिग्नेचर होना चाहिए सारे। इसको हमको करना नहीं है, हम से क्या करेंगे, इंटेंडेड मैरिज का अप्लाई करेंगे। ज़्यादातर लोग इंटेंडेड मैरिज ही करते हैं क्योंकि इन केस में यहाँ का शादी होने के बाद, शादी अगर कौन से डेट में करोगे ऐसा, पहले तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करता, पहले शादी होने के बाद ही रजिस्टर करते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या है, सर नंबर ऑप्शन जो है उसी को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो स्वीटलेट टाइम लेट कितना दिन लगेगा, आफ्टर 30 डेज एंड बिफोर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नोटिस इंटेंट मैरिज ऑफ द एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन मैरिज। इस दोनों में क्या होगा अंतर है, 30 या 90 डेज मैक्सिमम एंड 30 डेज मिनिमम का ये टाइमलाइन लगता है इस सर्टिफिकेट को अप्रूव होने में। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया कौन सा एलिजिबिलिटी है, बोथ आर नॉट लेस देन 18 ईयर्स, दोनों लड़का या लड़की दोनों का एज 18 ईयर से कम होना नहीं चाहिए, दोनों का 18 से ऊपर होना चाहिए। नॉट लेस देन 20 ईयर्स इन केस इंटेंड मैरिज, अगर हम इंटेंडेड मैरिज कर रहे हैं तो 21 साल होना जरूरी है, अगर इंटेंड मैरिज नहीं है तो 18 साल होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम फीस के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा फीस के बारे में बात करेंगे। तो 50 रुपीज नोटिस के लिए आइएगा, और उसके बाद आरटीपीएस फीस एंड ऑफ ₹200, इसमें आरटीपीएस का 200 आपको डालना होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन पे हमको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो ऑल द स्टार मार्क फील्ड आर मैंडेटरी एंड नीडेड टू फी फिलअप्ड। इसको हमको क्या बोला है कि जो जो स्टार मार्क दिया हुआ है वो सारे जो स्टार मार्क होगा आपका फॉर्म में उसका मैंडेटरी है, उसको आपको फिलअप करना ही करना है। उसके बाद हमको क्या है, द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट अपलोडेड द टाइम ऑफ एप्लीकेशन शुड नॉट बी एक्सटेंडेड ऑन MB, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे सारे डॉक्यूमेंट का PDF फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करनी है। अगर आप इस इन केस एंड सोलमेंट, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए,
इनके सोलमिन मेरे सिन सिग्नेचर शुड बी जेपीजी फॉर्मेट। इसमें क्या होगा आपका जो सिग्नेचर है सिग्नेचर का फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए दोनों का लड़के हैं लड़की का। अगर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है सोलमिस्ट मैरिज में अगर करते हैं सोलमिस्ट मैरिज में हमको सिग्नेचर और फोटो हस्बैंड वाइफ का दोनों का सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो सिग्नेचर जो अपलोड करोगे वो तो जेपीजी मोड में होना चाहिए और बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट है हमको पीडीएफ बनानी है। पहले पीडीएफ बनाएंगे लेकिन क्या 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं चलिए इसको फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है इसमें आप देख सकते हो मैरिज टाइप हमको मैरिज टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैंने पहले ही बता दिया इंटेंट मैरिज भी देख सकते हो सोलेमनिट मैरिज भी देख सकते हो। सोलेमनिट मैरिज अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो कौन से डेट में शादी करेंगे तो शादी का डेट आपको पूछेगा। तो हम यहाँ पे फिलहाल इंटेंट मैरिज करेंगे जो मैरिज हम लोग कर रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमको इंटेंडेंट मैरिज ही क्लिक करना है। उसके बाद हम मैरिज एक्ट को सिलेक्ट करेंगे द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को ही सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पर क्या होता है जो 1954 का द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है इसमें क्या होता है अगर कोई रिलीजन का दूसरे रिलीजन लड़के के साथ या लड़की के साथ में शादी हो रहा है मतलब आप मान लेते हैं कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़का से लड़की से शादी कर रहे हैं तो उस केस में हमको क्या करना है द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को ही चॉइस करना है। मतलब इसमें ध्यान रखिए कि जो अगर दूसरे कास्ट के लड़के दूसरे कास्ट से शादी कर रहा है तो हमको क्या करना है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ही करना है। और जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है इसका मतलब आप लोग जानते होंगे कि जो हिंदू लोग हैं जो हिंदू में कास्ट के लोग हैं हिंदू लड़की से हिंदू लड़का ही शादी कर रहा है तो उस केस में हमको द हिंदू मैरिज एक्ट को ही सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे प्रोफाइल्स में क्लिक करेंगे टाइटल को आपको सिलेक्ट करना है टाइटल कोई भी दे सकते हो इसमें क्या करना है टाइटल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे नाम लिखेंगे अपना यहाँ पे जो एप्लीकेशन कर रहे हैं ठीक है इसमें एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे कोई भी नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पे फिलहाल उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक तो थोड़ा सा नाम यहाँ पर हम क्या करेंगे फर्स्ट नेम डालेंगे मिडिल नेम तो है ही नहीं उसमें हम कर अगर किसी का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी आप डाल सकते हो ठीक है। हम यहाँ पे लास्ट नेम डाल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे जेंडर मेल फीमेल जो भी। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालनी है ठीक है मोबाइल नंबर आप डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट से आप सेलेक्ट करना चाहते। उसके बाद सिलेक्ट ऑफिस कौन सा साफ रजिस्टर ऑफिस आपका पड़ता है मतलब रजिस्टर जो आप शादी कर रहे हो कौन सा ऑफिस ऑफिस के रजिस्टर ऑफिस के अगेंस्ट में करा रहे हो उसका नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आर यू श्योर पर कंटिन्यू करिएगा। उसके बाद आप देख सकते हो सक्सेसफुली मैसेज आ गया हुआ है। इसके बाद हमको दूसरे पेज पे लेके आइए और अभी हमको यहाँ पर क्या करना है इसमें लड़की का डिटेल्स पहले फिलअप करना है ठीक है। तो लड़की के डिटेल्स के लिए सबसे पहले उसका टाइटल डालेंगे इसमें। उसके बाद उसका नाम लिखेंगे कोई भी नाम लिख सकते हो यहाँ पर जिसके बंदे का अप्लाई कर सकते हो अप्लाई करना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर आपको डालना है फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद लास्ट मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हो उसका फादर का नाम डालना है फादर का नाम से पहले क्या होता है टाइटल डालना है आपको ठीक है टाइटल यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे मदर का टाइटल डालेंगे मदर का नाम लिखेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ठीक है। तो हम यहाँ पर उसके बाद हमको क्या करना है नीचे स्क्रॉल करना है इसमें हमको क्या करना है इसमें स्टेटस आपको देना है लड़की का। तो लड़की का स्टेटस ज़्यादातर यहाँ पर आप अगर
कोई लड़की दूसरी शादी कर रहे तो मेरिट दे दीजिएगा, अगर डाइवर्स लिया है तो डाइवर्स दे दीजिएगा, अगर शादी नहीं किया है तो अनमेरिट दे दीजिएगा। तो यहाँ पे पहले से पहला शादी है तो हम यहाँ पे अनमेरिट ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन आप दीजिएगा, ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस, बिजनेस, लॉयर, डॉक्टर, कोई भी जो भी है। अगर इसमें कोई भी नहीं है तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हो, तो मेरे केस में मैं अदर ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, कैटेगरी कौन सा है आप कोई भी कैटेगरी यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालिएगा अगर है तो, ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद डिसेबिलिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, विकलांग है कि नहीं उसको आपको यहाँ पर येस नो करना है। तो मेरे केस में नो है तो मैं नो करूँगा, येस करेंगे तो इसमें परसेंटेज आपको दिखाएगा कौन सा कितना परसेंटेज है। यहाँ पर आप देखिए अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कौन सा ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे नो ही करूँगा। उसके बाद नेम ऑफ चिल्ड्रेन इफ अवेलेबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको फिलअप करना नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। अगर पहला शादी है तो दूसरे शादी है तो इसमें अगर बच्चा वगैरह है तो इसको आप फिलअप करिएगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर फैमिली का टोटल इनकम दे दीजिएगा, कौन सा फैमिली का टोटल इनकम कितना है, और इसमें क्या करना है अपना अभी इसको लड़की का जो एड्रेस है, एड्रेस आपको यहाँ पर डालनी है कौन सा एड्रेस में रहता है लड़की, जो एड्रेस प्रूफ में है उसी को आप डालिए, यहाँ पे दूसरे मत डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जो जो एड्रेस आप डालना चाहते हो डालिए, इस एड्रेस को आपको सिलेक्ट करना है कौन सा एड्रेस में है तो, ठीक है। इस एड्रेस को फिलअप करिए पहले, उसके बाद स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है, विलेज का नाम लिखना है, थाने लिखना है और पोस्ट ऑफिस लिखनी है। उसके बाद अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आप उसके बाद एलएसी डालनी है। एलएसी का मतलब आप जानते हो एलएसी कौन सा है, इलेक्शन कमिश्नर पड़ता है आपको। और यहाँ पर ईयर लिखना है, ईयर का मतलब यही होता है कि जो लड़का या लड़की का, लड़की के बारे में भी ईयर लिखना होगा, लड़की के लिए भी ईयर लिखना होगा। इस ईयर को आप वही रखिए जो लड़की या लड़का का डेट ऑफ बर्थ है उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए, उससे कम हो या तो उससे बराबर भी आप दे सकते हो, उतना साल से उस जगह पे मतलब उस लड़का या लड़की उस जगह में कितने दिन से रह रहे हैं उसी का यहाँ पर डालना है। आप मेरे केस में यहाँ पे 22 पर डालेंगे, 21 इयर्स 0 मंथ है या 9th मंथ, कोई भी 3 मंथ है मेरा तो 3 मंथ आप डाल सकते हो। और एड्रेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस करिए, अगर नो है तो नो करिएगा। नो करने के बाद आपको फिर से इस फॉर्म को फिलअप करना होगा, उसके बाद 7 नेक्स्ट बटन करेंगे, उन्हें फटाफट से इस फॉर्म को फिलअप कर लेता हूँ। चलिए उसके बाद 7 नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिएगा, तो आर यू शेयर पर यस बटन पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर आइएगा, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लड़की का डिटेल्स यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेम प्रोसेस है, लड़का लड़का दोनों का सेम ही प्रोसेस है। फादर का नाम लिखना है तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसमें सेम प्रोसेस है, मैंने पहले जो बता दिया फादर मदर का नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, तो मैं फटाफट से इस फॉर्म को फिलअप कर लेता हूँ। फिलअप होने के बाद अब यहाँ पर 7 नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद शेयर बटन यस बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर से डॉक्यूमेंट अपलोड का पेज पे लेके आएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ वाइफ, वाइफ का आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है। तो ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट है देख लेते हैं एक बार। ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट है, कॉपी ऑफ पैन कार्ड है। तो मैं यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस या तो कॉपी या तो वोटर आईडी जो भी है यहाँ पर आप सिलेक्ट करिए। उसके बाद जो यहाँ पर आपने रखा है ध्यान में रखिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले अपना अपना फाइल को पीडीएफ बना ले, पीडीएफ बना कर ही आप यहाँ पर अपलोड करें। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ, हस्बैंड का आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर आप डालिए। उसके बाद एज प्रूफ ऑफ वाइफ, वाइफ का एज प्रूफ डालिए। एज प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हो, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई मेडिकल से अगर कोई भी रिपोर्ट आप लेके आए हो डेट ऑफ बर्थ के लिए,
मेडिकल से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो, डेथ ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए कोई भी सर्टिफाई करता है गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो उसी भी चलेगा। तो इसमें हम, मेरा केस में बर्थ सर्टिफिकेट है तो मैं बर्थ सर्टिफिकेट करूँगा। मैरिज नोटिस क्या है? मैरिज नो कॉपी ऑफ नोटिस। इस फॉर्म, एक फॉर्म होता है, इस फॉर्म को कहाँ से मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करोगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से जाके आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। उस फॉर्म को डाउनलोड करके उसको फिलअप करके आपको डाउनलोड यहाँ पर अपलोड करना है। एज प्रूफ ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड का एज प्रूफ आपको डालनी है। तो मेरे कैच में बर्थ सर्टिफिकेट है तो मैं बर्थ सर्टिफिकेट ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ ऑफ द वाइफ, वाइफ का जो है लड़की का अभी एड्रेस प्रूफ आपको डालना है। एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, कोई एक भी आप यहाँ पर देख सकते हो। टेलीफोन बिल है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट है, फोटो कॉपी ऑफ बैंक पासबुक है। तो मेरे केस में बैंक पासबुक है तो मैं बैंक पासबुक ही दे दूंगा। जिसके बाद जो भी है, वाइफ का यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो मेरे पास कॉपी ऑफ द बैंक पासबुक ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए हस्बैंड क्या क्या है, सेम वही करेंगे, फोटो ऑफ द बैंक पासबुक करेंगे। परमानेंट एड्रेस के लिए क्या है, सेम है, जो जो है आपके पास में सिग्नेचर ऑफ वाइफ का सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर वाइफ का सिग्नेचर सेलेक्ट करता हूँ, हस्बैंड का भी चाहिए आपको, हस्बैंड भी दे दीजिएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म हो जाएगा, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरिज कार्ड है, इसमें मैंडेटरी नहीं है तो इसको हम भी छोड़ रहे हैं। सॉफ्ट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों को पता है, ई डिस्ट्रिक्ट में जाइए, ई डिस्ट्रिक्ट में जाके डाउनलोड फॉर्म से कैसे डाउनलोड करना होता है, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे वीडियो बना दिए हैं, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है वहाँ से जाके आप फॉर्म को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को फिलअप करना है, उस फॉर्म को यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए, मैंने सारे डॉक्यूमेंट तो सिलेक्ट कर लिए हैं, एक भी डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड नहीं किया। तो अपलोड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ब्राउजर का एक ऑप्शन है नीचे, देख सकते हो सारे के ऑप्शन सामने में। जब ब्राउजर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, अपना डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, जो जहाँ पे अपने फाइल को सेव करके रखा हुआ है। तो मैंने एक फाइल बना के रखा हुआ है, इस फाइल से हम सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं डॉक्यूमेंट को पहले अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। इस सारे फॉर्म को इस तरह से आपको अपलोड करनी है। तो मैंने सारे फॉर्म यहाँ पर से ब्राउजर करके अपना और अपलोड कर रखे है। तो यहाँ पर से हमको क्या करना है, सेवन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। सेवन नेक्स्ट बटन पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोसेस थोड़ा सा आगे हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख सकते हो, यहाँ पर अपना रिव्यू आ जाएगा, एक रिव्यू को आपको देख लेनी है। यहाँ पर देखिए, मैंने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए सारे डॉक्यूमेंट का शो यहाँ पर शो कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट आउट भी निकल सकते हो इस प्रीव्यू पेज को। तो मेक पेमेंट बटन पर आपको क्लिक करना है। जब मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने कितना पेज को स्कैन किया है, कितना फोटो कॉपी किया है और कितना प्रिंट किया है और स्कैन कितना किया है, यहाँ पर नंबर ऑफ द प्रिंटिंग पेज कितना किया है, मैंने मेरे केस में 10 किया है और स्कैन भी मैंने 10-12 किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। जब पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट पेज पे चले जाएंगे। तो इस तरह से हम पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सिस जी पे का ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और नीचे आप देख सकते हो डिसएग्री और एग्री का एक ऑप्शन है। आप नीचे यहाँ पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एग्री और डिसएग्री है। तो हम इसको एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करने की हमारे पास पेमेंट के पेज पे लेके जाएगा, दूसरे पेमेंट पेज पे लेके जाएगा। उसके बाद हमारा क्या करना है, इसमें अपना यूपीआई आईडी से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर अपना अपना यूपीआई आईडी हो या तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो भी है, इससे आपको पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 280 रुपये का पेमेंट आएगा। यहाँ पर कितना पेमेंट करना होगा आपको शो करेगा, नीचे आप देख सकते हो, आपने जितना प्रिंट पेज दिया है वो पेज भी यहाँ पर ऐड हो के उसका चार्ज भी यहाँ पर ऐड हो गया, क्योंकि 200 रुपया तो 250 रुपीज़ हमारा वहाँ पे क्या होगा, जो 250 रुपीज़ है, 250 रुपीज़ तो हमको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस ही मिलेगा और बाकी का जो पैसा यहाँ पर ऐड हुआ है, जो आपने प्रिंटिंग और स्कैनिंग का
पेज ऐड किया था उसके लिए ही, और बाकी का सारे यहाँ पर एक्स्ट्रा आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम UPI ID से मेक पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट होने के बाद आपके पेमेंट रिसिप्ट में यहाँ पर पेमेंट अभी फिलहाल नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन के जरिए भी क्या हुआ तो पेमेंट मैंने डायरेक्टली नहीं कर सकता। तो इस तरह से आपने UPI ID यहाँ पर डालना है। डालने के बाद आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह से आप एक मेरिट सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो सारे प्रोसेस मैंने बता दिया। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल CSC Digital India को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद CSC Digital India।